वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद एकता शर्मा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एरर एंड करेक्शन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम इसमें जो एरर है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कैसे एरर को फाइंड आउट किया जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, एग्जाम में सेंटेंस दिए हुए होते हैं और आप लोग सेंटेंस पढ़ते हो और आपको लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन इसमें क्या होता है कई रूल्स आते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर मान सकते हो आप, कई और सीक्वेंस को लेकर के मान सकते हो, प्रोनाउन सीक्वेंस है वो कैसे उसके साथ में कैसे ऐड किया जाता है। तो इस चीज में लेकर के बच्चे है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम वही चीज है वो यहाँ पे सीखेंगे कि सीक्वेंस कैसे आता है, किसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, कहाँ पे सिंगुलर आती है, कैसे क्या भरा जाता है, कैसे एरर को हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये होता है कि अपन चलते हैं आई विश। आपको ये चीज देखनी है, वैसे आई के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, आई वाज होता है, आई एम हो गया, लेकिन विश जहाँ पे कल्पना वाली बात आ जाए कि कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मैं काश ऐसा होता, कि मेरी इच्छा ऐसे होता, तो यहाँ पे आई के साथ में वाज में आकर के यहाँ पे हो जाता है वर्ब। हम यहाँ पे वर्ब को यूज में लेते हैं, ये आई विश आई के साथ वर्ब आएगा, वाज नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, एग्जाम में सेंटेंस दिया हुआ होता है वहाँ पे वाज भर के दे देंगे, वहाँ पे वाज फिल किया हुआ है, मतलब आपको देखना है कि ये वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। क्यों? क्योंकि ये विश कल्पना वाले वाक्य है, इमेजिनेशन से भरे हुए जो वाक्य होते हैं उनमें वर आता है आई के साथ में। सेकेंड अपन देखते हैं कि जैसे मैंने कुछ वर्ब लिखी है कि इन वर्ब के साथ में प्लूरल फॉर्म आती है वर्ब की, जैसे ब्लेस है, सेव है, हेल्प है या फिर लिव। तो ये जो कुछ वर्ब्स हैं इनके साथ में वर्ब की हम प्लूरल फॉर्म को यहाँ पे हम फिल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है गॉड सेव द किंग, गॉड सेव लिखा है, गॉड तो सिंगुलर है, गॉड है वो सिंगुलर है, बट यहाँ पे सेव ने लिख करके मैंने लिखा है सेव, ये वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। अगर यहाँ पे हम लिख दे सेव देन ये गलत हो जाएगा, गॉड सिंगुलर है इसके हिसाब से वर्ब, अगर हमने सेव के साथ में एस लगा दिया तो ये गलत हो जाता है, यहाँ ये वर्ब की प्लूरल फॉर्म है वो फिल करी जाती है, तो यहाँ पे सही होगा सेव, तो गॉड सेव द किंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो गॉड हेल्प यू, गॉड हेल्प्स नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने ये जो वर्ब बताई है इनके साथ में प्लूरल फॉर्म है वो वर्ब की अप्लाई की जाती है, तो ये होगा गॉड हेल्प यू। तो ये जो दो रूल है वो मैंने आपको एकदम अच्छे से क्लियर करवाए हैं। आई अगर कल्पना से भरे हुए वाक्य है, इमेजिनेशन अगर इसमें है तो यहाँ पे वर्ब को हम लगाएंगे, अगर ये वर्ब है ब्लेस सेव हेल्प लीव तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म को हम अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गॉड सेव द किंग, जैसे आई विश आई वर ए बर्ड, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है वो लिखा नहीं, जैसे आई वर ए बर्ड हो गया, यहाँ पे गॉड सेव द किंग या गॉड हेल्प यू। थर्ड रूल अपन देखते हैं, देखो मैंने इसमें लिखा है आपको ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल वैसे आपके पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी क्या है बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब कौन सी भरे कैसे भरे। दो वाक्य लिखे हैं मैंने, द पोएट एंड सिंगर हैज डाइड, सेकेंड मैंने लिखा है द पोएट एंड द सिंगर, यहाँ सिंगर की पहले मैंने द आर्टिकल वापस अप्लाई किया है, द सिंगर हैव डाइड, यहाँ पे द पोएट एंड सिंगर, इसका मतलब यहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगाया, इसका मतलब हो गया ये जो पोएट है वो सिंगर भी है, वो पोएट भी है वो सिंगर भी है, तो ये जो दोनों चीजें हैं वो एक ही पर्सन के लिए यहाँ पे आई है, और एक ही पर्सन के लिए आई है मतलब ये सिंगर है, तो पोएट सिंगर जब एक ही व्यक्ति है तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब को अप्लाई करते हैं, आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने सेकंड में लिखा है द पोएट एंड द सिंगर, द पोएट एंड द सिंगर मतलब एक तो पोएट है और एक अलग सिंगर है, एक नहीं है ये दो पर्सन है, दो पर्सन है, देन हमने वर्ब की जो प्लूरल फॉर्म है उसको यहाँ हमने फिल किया है, जैसे ये हैव है प्लूरल वर्ब, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब दो आर्टिकल अगर आ जाए दोनों वर्ड्स के साथ में, जैसे मैंने यहाँ द पोएट एंड द सिंगर लिखा है, तो द पोएट पोएट एक अलग व्यक्ति है, द सिंगर सिंगर एक अलग व्यक्ति है, दो पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव है वो फिल कर दिया, क्यों? प्लूरल वर्ब, क्योंकि दो व्यक्ति है प्लूरल आएगा, और यहाँ पे द पोएट जो पोएट है और सिंगर भी है साथ में, तो ये जो दोनों क्वालिटी है वो एक ही पर्सन में है, तो एक व्यक्ति है, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है वो अप्लाई कर दी।
तो इस प्रकार से यहाँ जो एग्जाम है, एग्जाम में यहाँ हैज की जगह हैव दे सकते हैं, वहाँ पे आपको फिल करने होते हैं, देखने होते हैं कि ये सही है या गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखो मैंने इस दो सेंटेंस लिखे हैं, देखो ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट इज मैंने अप्लाई किया है, ब्रेड एंड बटर दो आ गए, एंड से वाक्य जुड़े हुए हैं, एंड वाले देखो तीन रूल आ गए, दो तो ये हो गया, तीसरा ही स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब मैंने अप्लाई करी है। तो जब दो वर्ड तो हो लेकिन जब सेंस एक आए निकल के, जैसे ब्रेड एंड बटर चीज तो एक ही है, खाने की एक एक भोज्य पदार्थ है ब्रेड एंड बटर, तो एक ही चीज है, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो खाना है, ये जो भोजन है, ये जो फूड है इज ए गुड ब्रेकफास्ट, ये एक अच्छा ब्रेकफास्ट है। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर अलग अलग शो नहीं हो रही, एक ही साथ आ रहे हैं। सेकेंड देखो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये एक फ्रेज भी है, और स्लो एंड स्टडी कछुए वाली स्टोरी आप सबने सुनी हुई है कि लगातार धीरे चलो, धीरे हो जाए पर स्टडी होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो वो जीत ये जो रेस है उसको जिता देती है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जब एक ही भाव वाक्य में निकल के आए, यहाँ पे भी एक भाव आ रहा है, यहाँ पे भी एक ही भाव निकल के आ रहा है, एक ही सेंस निकल के आ रहा है, देन हम वर्ब की सिंगुलर वर्ब है वो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा, वर्ड्स चाहे दो दिए हुए हूँ। एक होता है हम वर्ड्स की जो सीक्वेंस होती है उसके, जैसे वर्ड होते हैं अपन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है वो अप्लाई करते हैं, तो उनका सीक्वेंस है वो हम कैसे रखते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो कोई सिंगुलर पर्सन दे देती हूँ, सिंगुलर में अपन आई बोल सकते हैं, यू बोल सकते हैं, ही या शी, कुछ भी हम बोल सकते हैं, तो इनका सीक्वेंस है वो कैसे होगा। कोई सेंटेंस है, अगर आई यू एंड ही तो नहीं लिख सकते, जैसे अपन ने लिखा आई यू एंड ही, वर्ब इनके साथ प्लूरल आएगी, टू ईच अदर, तो क्या ये सीक्वेंस सही है। अगर हम बोले, अगर इस टाइप से वाक्य आ जाए आपको बोल दे कि इनमें से आप एरर को फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करोगे, क्यों, क्योंकि ये सही नहीं है सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस होता है, अगर सिंगुलर दे रखी हो पर्सन, तो इसका सीक्वेंस होता है अपने को पहले सेकंड पर्सन लगाना है, उसके बाद में थर्ड पर्सन लगाना है, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन अपने को जो लगाना है, यहाँ पे आई दे रखा है फर्स्ट पर्सन, तो अब देखो सेकंड पर्सन कौन सा है अपना यू, थर्ड पर्सन कौन सा है यू, फर्स्ट पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन अपना है आई, तो इसका सीक्वेंस कैसे बनेगा। यहाँ पे एरर हो गया इस सीक्वेंस को लेकर के, सेकंड पर्सन अपना दे रखा था यू, थर्ड पर्सन अपना आया है ही, एंड फर्स्ट पर्सन अपना आई, जो आई है यहाँ पे ही नहीं होगा आई, अब आई के साथ आपको ये नहीं सोचना कि ये आर है वो गलत आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, अब ये जो वाक्य है वो सही होगा अपना, यू ही एंड आई आर वेल नोन टू ईच अदर, ये तो हो गया अपना जो सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन जो है उनका सीक्वेंस। अब बात करेंगे अगर प्लूरल पर्सन हो तो इनका सीक्वेंस कैसे होगा, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि सिंगुलर पर्सन में और जो प्लूरल पर्सन है इन दोनों का सीक्वेंस का जो नियम होता है, रूल होता है, वो चेंज होता है, अलग होता है, एक जैसे नहीं चलता। जैसे अपन देखें इसके, जैसे प्लूरल पर्सन की हम बात करें, प्लूरल पर्सन कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन में अपन बोले तो वी, सेकंड पर्सन में यू ही आता है, थर्ड पर्सन अपना होता है दे, ये तीन है वो अपने प्लूरल पर्सन होते हैं, तो इनका सीक्वेंस है वो कैसे आता है। इनके सीक्वेंस में हम वैसे ही यूज में लेते हैं, यहाँ पे तो दो तीन एक वाला फॉर्मूला हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला अपना, वही एक दो और तीन, अपना यही फॉर्मूला है वो चलेगा, वी यू एंड दे,
और आर यहाँ पे मतलब आर या वर आप जो वर्ब है उसकी प्लूरल फॉर्म ही अप्लाई करोगे। यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं वी यू एंड दे आर वेल नोन टू ईच अदर। यही सेम सेंटेंस लेते हैं लेकिन सीक्वेंस अपना हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन उसके बाद में थर्ड पर्सन। सिंगुलर पर्सन होंगे तो अपना सीक्वेंस होगा पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, बस इतना इसमें माइनर डिफरेंस होता है। लेकिन ये जो माइनर डिफरेंस है इन दोनों चीजों का ये एग्जाम में बहुत गलतियां करवाता है। बच्चों को लगता है कि सेंटेंस सही है He, I and you लिख देंगे तो भी सही है बट ये सही नहीं होता ग्रामेटिकली। इसको अगर हम देखें एरर करेक्शन में ये चीज है वो बहुत बार आती है। अगर ग्रामेटिकली हम देखें तो इसका जो सीक्वेंस है वो अपने को ये रखना होता है सिंगुलर पर्सन अगर दिए हुए तो सीक्वेंस रखना है यू ही एंड आई आर वेल नोन टू ईच अदर। अगर प्लूरल पर्सन दिए हुए हो तो सीक्वेंस अपने को रखना है प्लूरल पर्सन होने चाहिए सारे तो सीक्वेंस इसका होगा फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन उसके बाद में थर्ड पर्सन। जैसे बोलो अगर वी यू एंड दे आर वेल नोन टू ईच अदर सेम सेंटेंस हम ले सकते हैं। तो ये जो एरर करेक्शन में कुछ रूल्स है वो मैंने आपको आज करवा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ एरर करेक्शन को। आज का पार्ट 1 कम्प्लीट होता है। बाय।